अपने आसपास की हर खबर से अपडेट रहने के लिए डाउनलोड कीजिए इंडियन टीवी न्यूज का एंड्रॉइड एप्लीकेशन, साथ ही विजिट करें हमारी साइट indiantvnews.in पर। नमस्कार, मैं हूं विदुषी और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। लखनऊ सड़क पर ई रिक्शा एवं टेम्पो खड़े होने के कारण चौराहों पर लगा रहता है जाम, पुलिस रहती है नदारद। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के थाना खाला बाजार क्षेत्र के अंतर्गत बुलाकी अड्डा के हैरतगंज चौराहे पर अवैध रूप से ई रिक्शा एवं टेम्पो सड़क पर खड़े रहने के कारण इस चौराहे पर अक्सर जाम लगा रहता है। इसके बाद भी अक्सर पुलिस इस चौराहे से नदारद रहती है। स्थानीय दुकानदारों और नागरिकों का कहना है कि ये मार्ग काफी व्यस्त रहता है क्योंकि ये मार्ग मेडिकल कॉलेज एवं चार बाग जाता है। इस चौराहे की सड़क पर अवैध रूप से ई रिक्शा और टेम्पो खड़े रहते हैं, इसीलिए इस चौराहे पर अक्सर जाम लगा रहता है जिससे लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। लेकिन अक्सर इस चौराहे है कि पुलिस नदारद रहती है और गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें यहां पर लग जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नितिन कुमार शर्मा, इंडियन टीवी न्यूज। इसी तरह की देश दुनिया और अपने आसपास की हर खबर और खबर के असर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी इस खबर को शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज पूरे देश में अपने रिपोर्टर्स नियुक्त कर रहा है। अभी हमारे साथ पूरे भारत में 200 से ज्यादा रिपोर्टर्स काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़कर रिपोर्टर के रूप में काम करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में अपना जिला और मोबाइल नंबर लिखिए, हम आपको कॉल कर सारी जानकारी देंगे, या फिर आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इंडियन टीवी न्यूज एक नेशनल डिजिटल न्यूज चैनल है, पूरे भारत में हमारे रिपोर्टर्स काम करते हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़िए और अपने आसपास फैले हुए भ्रष्टाचार को खत्म कीजिए और देश सेवा में हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद।